today i will discuss about the public finance a very paramount topic of national saving officer so let's discuss about the public finance first that what exactly this term means public finance is derived from two words one word is public and second is finance public ka matlab hota hai generally people but guys it's not यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर फिट करें तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वो बंद वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे मुल्क हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है उसकी बात हो रही है सो दैट इज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड सेकंड फाइनेंस फाइनेंस मीन्स स्पेंडिंग ऑफ मनी हम किस तरह से मनी को स्पेंड करें सो पब्लिक फाइनेंस इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय द अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट बाय फेडरल गवर्नमेंट बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी वो किस तरह से पब्लिक की मनी को स्पेंड कर रही है गर्इज अगर हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में देखें दैट वी ऑब्वियसली एस्टिमेट्स लगाते हैं कि वट विल बी अवर इनकम और हमें हमारे मंथली एक्सपेंसिस क्या होंगे तो ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स डे टू डे हमारे जो काम होते हैं हम उनमें भी ये चीज़ें नोटिस करते हैं तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को भी हमेशा ये चीज़ें कंसिड्रेशन में रखनी होती हैं उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं कि हमें जो पूरा मुल्क है हमें पूरे मुल्क को चलाना है तो हमें पूरे मुल्क को चलाने के लिए कौन कौन से हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं कौन से गुड्स लेने पड़ सकते हैं परचेज और जो हम गुड्स परचेज करते हैं बेसिकली दैट आर कॉल्डेस प्रोक्योरमेंट ठीक है पब्लिक प्रोक्योरमेंट और उसको कौन देखता है पर्टिकुलर हमारी जो पेपरा अथॉरिटी है वो देखती है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है तो यहाँ सारे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि पैसा कहाँ से आएगा ताकि मुल्क चल सके रेवेन्यू की कौन कौन सी सोर्सेज हो सकती हैं हमारी और उसके अलावा एक्सपेंसिस किस किस जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंस हमें किसी प्रोडक्ट को यूज़ मतलब परचेज़ करने में यूज़ हो रहा है या किसी सर्विस को एक्वायर करने में हो रहा है या फिर और भी मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे तो वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं हमारे कोई डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए भी वो एक्सपेंसिज यूज़ हो सकते हैं तो मैं अगेन आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ पब्लिक फाइनेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पब्लिक एंड फाइनेंस पब्लिक इज रिप्रजेंटेटिव बाई गर्ड फाइनेंस मीन्स मनी रिसोर्स एंड दीज मनी रिसोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मनी जो होती है हमारी उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई यहाँ पे हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर की बात है द पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ हमारे एक मुल्क में जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं चाहे वो नैब हो या हमारी पेपरा हो ओग्रा हो या हमारी वापडा हो जो भी हमारी पब्लिक की बेसिक अथॉरिटीज़ होती हैं वो किस तरह से हमारे मुल्क के पैसे को यूटिलाइज़ करती हैं ठीक है क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है मोस्टली इट इज़ जनरेटेड फ्राम टैक्स जो हम लोगों से हम अपनी आवाम से लेते हैं तो एक पूरा हमारा एक सब्जेक्ट बनाया गया है पब्लिक फाइनेंस जिसके थ्रू तो हम यही स्टडी करते हैं कि हमारा जो मुल्क है उसमें जो भी हमारी मनी है वो कैसे यूटिलाइज हो रही है किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है स्पेंड हो रहा है वो मनी सो दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे फर्दर बताया कि पब्लिक फाइनेंस इज़ स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एट अ सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल वेल इट्स नॉट अबाउट जस्ट ओवरऑल लेवल यहाँ पे हमारी फेडरल प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट सारी और हमारे डिफरेंट जो यूनिट्स हो गए हमारे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए वो सारे इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन कंट्री सच टू सप्लाई सर्टेन पब्लिक और कलेक्टिव गुड्स अब गवर्नमेंट को जाहिर बात है काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं टू रन अ कंट्री इट्स नॉट ईजी टू रन अ कंट्री हैवी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज टू रन इट इफ़ेक्टिवली एंड सफिशनेटली and this is the responsibility of government to provide those goods for which it needs revenue. government को कुछ ऐसे भी goods होते हैं जो हमारे individual और आवाम को provide करने होते हैं जैसे हमारी अक्सर medical आप देखें hospitals होती हैं जो government की होती हैं तो वहाँ पर हमें कुछ goods भी चाहिए होते हैं कोई medical equipments चाहिए होते हैं ताकि कोई भी मरीज आए तो उसका इलाज properly हो सके same in the case हम यहाँ पर हमारे कोई ऐसे government schools भी होते हैं अब schools उन schools को run करने के लिए हमें क्या चाहिए वहाँ पे चेयर्स ब्लैक बोर्ड टीचर्स चाहिए उनकी सैलरीज काउंट करनी होती है सो दे आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस तो हमारे यहाँ यही बात की गई है कि गवर्नमेंट के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है ज़रूर उसको रेवेन्यू चाहिए होता है जिसमें से वो एक्सपेंसिस डे टू डे करता जाए यहाँ पे एक फर्दर डेफिनेशन एक बताई गई है पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ बेसिकली पब्लिक फाइनेंस क्या है हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताता है ज़ाहिर बात है प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट सर्टेन रूल्स और पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट और कुछ स्टेप्स और कुछ स्टैंडर्ड्स के जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट स्पेंड भी करेगी और अपना फ़ंड रेज़ करेगी ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई रूल्स और जनरल प्रिंसिपल या पॉलिसीस ना हो तो कोई कितना भी स्पेंड कर सकता है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बेसिस पर ही हमें मनी स्पेंड करनी होती है पब्लिक फाइनेंस डील विद द प्रोविजन कस्टडी एंड डिस्पर्समेंट ऑफ रिसोर्सेज अच्छा हमारे जो पब्लिक फाइनेंस है वो किससे डील करता है रिसोर्सेस से उसके प्रोविज़न कस्टडी एंड डिस्पर्समेंट यानी किस तरह से हम उसको रिसोसिस को यूटिलाइज़ करें और वो किसकी कस्टडी में होते हैं नीडेड फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट फंक्शन कोई भी हमें जो फंक्शन परफॉर्म करना है या कहीं पे मनी स्पेंड करनी है तो वो जो मनी आती है वो किसकी कस्टडी में होती है ठीक है उसका इंतज़ाम कौन करता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है गाइस अच्छा है, ये बात पॉइंट याद रखिएगा कि वॉट एवर द मनी जो हमारा रेवेन्यू है जो कलेक्ट कर रहे हैं या फिर हमारा जो हम लोन कहाँ से ले रहे हैं एब्रॉड कहीं से फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं लोन ठीक है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं या हम अपने ही कंट्री में रहते हुए कहीं से लोन ले रहे हैं ठीक है वो सारी मनी कहाँ पर जाती है फेडरल कंसोडेटेड फंड हमारे मुल्क का एक अकाउंट है जहाँ पे सारे के सारे पैसे जमा होते हैं और यहाँ पे इन सारे फेडरल कंसोलीटेड फंड को कौन हैंडल करता है मोस्टली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और पब्लिक अकाउंट कमेटी है वही इस सब से डील करती है explanation every country needs money in order to run the nation the revenue of a country is sir collection of various taxes and return on investment the government spends it from the collection of a revenue अच्छा यहां पे यही बात है कि जाहिर है हर मुल्क को मनी चाहिए होती है एक नेशन को रन करने के लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उस पैसे के बगैर हम कभी भी हम एक कंट्री को रन नहीं कर सकते ठीक है और हमारा यही है कि रेवेन्यू जो जनरेट होता है कंट्री का वो कहाँ से मोस्टली आता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हम बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं डिफरेंट सोर्सेज एंड टैक्सेस की हम आगे जाके वो पढ़ेंगे तो बहुत सारे टैक्सेस के फॉर्म होते हैं जहाँ से वो कलेक्ट करते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की कुछ कहीं पे स्पेंडिंग्स होती हैं तो वहाँ से रिटर्न भी उनको जनरेट होता है सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स आर अच्छा यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बताए हुए हैं कि जैसे हेल्थ केयर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी देनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सैलरीज वगैरह देनी है स्टाफ को या पेंशन का पेंशन तो वी हैव टू गिव टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन मंथली बेसिस जो भी हमारे रिटायर रिटायर हो रहे हैं तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ये एक्सपेंसेस है जो हमें एनी हाउ देने हैं सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको हम रोक नहीं सकते वो भी हमें एनी हाउ देनी है तो इन एक्सपेंसेस के लिए हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आर कलेक्टेड बाय और फॉर द पब्लिक और ये जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम कर रहे होते हैं इट्स जस्ट फॉर पब्लिक हमारे मुल्क के लिए हमारी नेशन को रन करने के लिए उनके इंडिविजुअल्स को जो है फैसिलिटीज़ देने के लिए हम लोग ये करते हैं हैंस द फाइनेंस इज़ कॉल्ड पब्लिक फ़ाइनेंस इसीलिए हम इसको पब्लिक फ़ाइनेंस कह रहे हैं क्योंकि ये सारा पैसा जो हमारी यूटिलाइजेशन हो रही है मनी की वो सारी हो रही है जस्ट बिकॉज फॉर पब्लिक जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक हमारी पब्लिक को जो है सेटिस्फाई करने के लिए उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए ही ये मनी स्पेंड हो रही है इट डील्स विद द रेवन्यू एंड एक्सपेंडिचर एट वेरी एवरी लेवल इन विच पब्लिक इज़ इन्वॉल्व विद स्टेट और सेंट्रल लेवल या यही बात है कि हर लेवल पर हम पब्लिक फाइनेंस की स्टडी करते हैं चाहे वो स्टेट लेवल पर हो हमारी या हमारे जो है ये जो है प्रोवेंस हो गया प्रोवेंस के बाद हमारे चलो हम डिवेरियस हमारी डिस्ट्रिक्स हो गई डिविजन्स हो गई हमारी सिटी की अलग से बात कर लेते हैं तो हर किसी को रन करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल पब्लिक फ़ाइनेंस की डीलिंग होती है द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एज अ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हमारी पब्लिक फाइनेंस इफ़ इट इज़ मैनेज इन अ प्रॉपर वे तो हमारी जो भी कंट्री हमारा मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डिवेलप होती है ठीक है अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे हमारे रिसोस को हमने किसी फिस फजूल सी जगह पे एक्सपेंडिचर जो है कर लिया ठीक है लेकिन अगर इम्पोर्टेंट जहाँ पे हमें स्पेंड करना चाहिए था वहाँ हमने स्पेंड नहीं किया तो हमारे मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी जो है लो हो जाती है हमारा जी रेट कम हो जाता है और हमारे मुल्क डाउन साइजिंग में चला जाता है अब यहाँ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि वट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस वी विल डिस्कस दैम इन लेटर स्लाइड सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजिंग पब्लिक नीड्स सेकेंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट थर्ड रिमूवस इन इक्वालिटी फोर्थ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी फर्स्ट मैनेजिंग पब्लिक नीड्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज मैनेजिंग द बेसिक नीड्स ऑफ अ पब्लिक लाइक फूड शेल्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन अच्छा पहला ऑब्जेक्टिव पब्लिक फ़ाइनेंस का ये होता है कि हमें क्या करना है मैनेज करना है पब्लिक की नीड्स को क्योंकि हमारी आवाम को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी जो बेसिक हमारी नीड्स हैं हमने बेसिक नीड्स पढ़ी होंगी हमेशा हम कहते हैं बेसिक नीड्स फ़ूड को शल्टर हो हमारी प्रॉपर हेल्थ हो हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो और हमें एजुकेशन जो है फ़ैसिलिटी अच्छे से दी जाए तो ये सारी पब्लिक की नीड्स हैं और वो उस पर फोकस करती है पब्लिक फ़ाइनेंस का ऑब्जेक्ट एक्टिवी ये है कि हम पहले पब्लिक की नीड्स को फुलफ़िल करें ऑल दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सो द बेसिक पब्लिक नीड्स एंड बी फुलफिल्ड एंड पब्लिक एंड कंट्रीब्यूट टू द डिवेलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ठीक है ये हमारा अगर हम पब्लिक की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो स्ट्रीम हो जाती है हमारी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इकोनॉमिक डिवेलपमेंट फर्दर यहाँ यही बताया हुआ है प्रॉपर मैनेजमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ़ अ नेशन हमने पहले ही पढ़ा कि अगर सही से मैनेज की जाए हर चीज़ तो हमारी ओवरऑल इकनॉमिक डिवेलपमेंट हो सकती है हमारा पर कैपिटा इनकम हमारी जी टी पी रेट हाई हो जाएगी हमारा जो करेंसी की वैल्यू इनहेंस हो जाएगी तो ओवरऑल हमारा क्या है मुल्क तरक्की की साइड पर जाएगा ठीक है removes inequality it also aims at removing the inequality by proper allocation of resources Ab ye inska public finance ka basic job पर्पज़ होता है टू रिमूव द इन इक्वालिटी हमारे मुल्क में जो भी पुएरिटी है टू रिमूव दैट विशियस साइकिल हमारी जो विशियस साइकिल है गरीबी की उसको रिमूव करना हमारे जो भी पब्लिक फाइनेंस का जो इस सब्जेक्ट का मेन थीम होता है ठीक है ये सिर्फ ये नहीं होता कि ज़ाहरी तो लगता है जस्ट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस भाई फाइनेंस रिसोर्स क्यों मैनेज हो रही हैं उसके बिहाइंड हमारा एक्चुअल रिजल्ट ये होते हैं हमारे एक्चुअल ये पर्पज़ होता है कि हमारे पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो हमारी कंट्री है जो वो तरक्की की साइड पे चली जाए ठीक है और हमारे मुल्क में जो भी गरीबी है इनक्वालिटी है वो रिमूव हो जैसे हमारे यहाँ कंट्री में हमारी वमेन्स को डिस्करेज किया जाता है और जो हमारे मेल्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ये जो ग्लास सीलिंग है वी हैव टू ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग ठीक है यहाँ पर हमारे पब्लिक फाइनेंस का ये भी पर्पज़ होता है कि ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया जाए यानी ओवरऑल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाए सबको मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी यानी प्राइस को मेंटेन करे इस तरह की नहीं कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए हमारे मुल्क का तो हमारा यही पर्पज़ होता है कि इन्फ्लेशन को हम किसी तरह भी कंट्रोल में रखें वो ज़्यादा ना बढ़े इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइस जब हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी जो है ना हमारी वो कम होती जाती है तो इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है Now, the types of public finance. Now, we have different types, but again, there are four basic types of public finance. One that we talk about is the public revenue. ठीक जो हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो हमारे पास आ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हम स्पेंड हैं पब्लिक डेप ठीक है पब्लिक डेप बेसिकली हमारा एक का रेवेन्यू नहीं है ठीक है क्योंकि ये हमने आ, हम किसी से उधार लिया है ठीक है ये हमें उनको वापस करना है जबकि रेवेन्यू होता तो रेवेन्यू हम वापस नहीं करते हाँ मतलब हम रेवेन्यू को सर्विसेज के फॉर्म में हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उस फॉर्म में तो हम वापस करते हैं लेकिन एज इट इज़ ऐसा तो नहीं है कि हमने जो हमारे मुल्क से हमने कस्टमर्स से या हमारे जो भी आवाम है उससे जो टैक्सेस काटे हम अगेन उनसे को वापस देंगे तो ऐसा तो नहीं होता ठीक है लेकिन डेप्ट जो होता है हम जो भी उधार ले रहे हैं वो तो हमें नहीं वापस देना है तो ये एक फॉर्म होती है उसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पब्लिक रेवेन्यू बताया है कि पब्लिक रेवेन्यू किस किस फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो हमारा यही होता है कि हम टैक्सेस के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जस्ट टैक्सेस के फॉर्म में हमारा रेवेन्यू हमारी इन्वेस्टमेंट से आ सकता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वहाँ से हमें अमाउंट मिल रहा है कोई इंटरेस्ट हमें मिल रहा है या पेनल्टीज़ फाइंस पेनल्टीज और फ़ाइंस भी लगती हैं अक्सर जो लोग हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हम लोग उनसे पेनल्टीज लेते हैं तो इस फॉर्म में भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता है उसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में हो सकता है कि या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में जो है अमाउंट स्पेंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है ना ताकि हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम करें हमने कोई रोड्स बनवा लिए या हमने कोई ब्रिजेस बनवा ली कोई ट्यूबवेल्स बनवा लिए या हमने कोई और प्रोजेक्ट कोई डैम इंट्रोड्यूस कर दी तो क्या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग हो रहा है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सबको दें जैसे पोलियो फ्री फ्री जो है घर जा कर लगता है हर तो ये भी हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते, है है। uh, होते हैं ना कि पोलियो के कचरे घर घर जाके बच्चों को पिलाए जाते हैं मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ काफ़ी हमारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है तो ये भी एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के पब्लिक डेप व्हेन द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवन्यू the government will take the help of debt to fulfill the needs of a country and to run the economy okay guys sometimes ye ho jata hai ki hum jo revenue to raise karte hain but that revenue is not matlab is less basically than the expenditure. जितना हमें खर्च करना होता है उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे अब क्या बताऊँ कि मतलब ऐसा होता है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए रेवेन्यू बहुत कम है उसके हिसाब से अब जाहिर बताए हमें एक्सपेंसेस तो पूरे करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें कहीं और से उधार लेना पड़ता है तो ये है पब्लिक डैप ताकि हमारी कंट्री की जो है ओवरऑल इकोनॉमी वो स्मूथ वे में चल सके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन गाइस वैसे होता क्या है मैनेजमेंट को बोलते हैं जब हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट हो किसी चीज़ की तो यहाँ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है मैनेजिंग पब्लिक फ़ाइनेंस एज वेल एज मैनेजिंग द नीड्स ऑफ अ गवर्नमेंट लाइक सैलरीज टू द पब्लिक इलेक्टि एक्सपेंडिचर और मैंटेनेंस और पब्लिक हेरिटेज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम इफ़ेक्टिवली मैनेज करें पब्लिक के फाइनेंस को जिसमें हमारे ये आ जाते हैं कि उसके अलावा हमारी जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करें यानी उनको हम प्रॉपर सैलरीज दें क्योंकि वो भी तो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनको भी हम जो है उनकी भी नीड्स को फुलफ़िल करें उसके अलावा जो हमारी पब्लिक हेरिटेज की प्रोडक्शन के लिए जैसे हमारा मोन है मोन में क्या हुआ था रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा वो जो है ख़राब हो गया तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो सकी थी तो एक्चुअली जो हमारे पब्लिक हेरिटेज होते हैं मोनजेदाड़ हो गया या और भी हमारे बहुत सारी जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे अच्छे खासे ये हेरिटेजेस होते हैं जो हमारे उनको उनकी प्रोडक्शन ज़रूरी होती है तो उन पे हम अमाउंट स्पेंड करते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे तो ये भी एक हमारा क्या होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एज यूजल प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंसिस की हमारी जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ठीक है मैनेजिंग ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकनॉमी पहले ही मैंने आपको बताया कि प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन रेट को हमें कंट्रोल करना है मैनेजिंग द ग्रोथ इकनॉमिक डिवेलपमेंट और ग्रोथ हमारे मुल्क की और वो किस तरह से इनहेंस होती है जब हमारे मुल्क का ओवरऑल जो पुएरिटी रेट है हमारा वो कम हो जाता है उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा इन्हस नहीं होता जी जब बहुत ज़्यादा हाई होती है हमारी पर कैपिटल इनकम हमारी हाई होती है लिटरेसी रेट हमारा बढ़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होता है तो इन सारी चीज़ों से हमारे कंट्री की इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ इन्हेंस होती है प्रोवाइडिंग द नेसेसरी नीड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पब्लिक टेक Initiatives for the development of public, which can contribute to the development of nation. ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी हो पॉलिसीज़ की और जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो ऐसा ना हो कि कोई ओवरलैपिंग हो रही है या फिर जो है मिसअप्रोप्रिएशन एम्बर्समेंट हो रही है हमारे कैश वग़ैरह की तो हमें इसीलिए प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन करना ये भी हमारे पब्लिक फाइनेंस में आता है टू रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंड एक्सपेंसिज़ इन अ प्रॉपर वे कंपेयर द एक्चुअल पोजिशन विद अ बजट गाइज हमेशा पब्लिक फाइनेंस का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू मेक एन एनअल बजट साल में पहले ही हमारा क्या है जो हमारा वैसे बजट स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट जून तो ये हमारा क्या होता है इसमें हमारी सारी एस्टिमेट्स हम पहले ही बता देते हैं तो हमारे मुल्क के लिए इस पूरे साल में कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं अंदाजन ठीक है और हमें किन किन डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में स्पेंड करने पड़ नहीं सकती है ना मनी की जैसे इस साल हमारा ज़्यादा बजट जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फोकस था कोविड और हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए जैसे हॉस्पिटल्स खुली इस्लामाबाद में भी रिसेंटली के आइसोलेशन सेंटर बनाए उसके अलावा वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा है तो ये क्या होता है हमारी एस्टीमेशन हम प्लानिंग करते हैं बजट में कि हम ये ये जगह पे खर्चे करेंगे ठीक है अब पब्लिक फाइनेंस का ये भी फंक्शन है कि वो जो बजटेड हमारा अमाउंट था उसको कंपेयर करें एक्चुअल पोजीशन से कि क्या जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने खर्च किया या नहीं अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है सो वेल एंड गुड हम उसी चीज़ को कंटिन्यू उस तरह से रखेंगे बट इफ़ आवर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड देन ऑब्वियसली वी वी टेक अ करेक्टिव एक्शन और हमारे जो नेक्स्ट ईयर हम पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो हम अच्छे से बनाएंगे उसके अलावा जो भी हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं हमारे मुल्क की जो भी हम बना रहे होते हैं टाइम टू टाइम बनती हैं बजट से पहले भी हमने पढ़ा है हमेशा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और हमारी पॉलिसी सेट होती हैं उसकी बेसिस पे बजट बनता है ठीक है तो हमारे पॉलिसीज़ कैसे चल रही हैं प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है उनकी यानी ये भी पब्लिक फाइनेंस का काम है प्रिपेयरिंग फ़ाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन पॉलिसीज़ बनाना भी पब्लिक फ़ाइनेंस में आ जाता है कि जो हम फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाते हैं यहाँ पे वही बात है स्कोप कि हमारी पब्लिक फ़ाइनेंस का स्कोप जस्ट यहाँ तक मैंटेन नहीं है कि हमें पब्लिक फ़ाइनेंस को मैनेज करना है उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है लाइक वी हैव टू मैनेज अवर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमी उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको रिड्यूस करना है क्योंकि हमारे मेन गोल्स में से ये चीज़ होती है पोरिटी ख़त्म करनी है हमारे मुल्क की जो अनए्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करना है उसके अलावा हमारे मुल्क में इवन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कैसे सेफ़ रखना है उसको उसकी हाइजीन का ख्याल रखना प्रॉपर टैक्स कलेक्शन होना और ये भी ध्यान में रखना कि यार टैक्स का बर्डन कुछ ज़्यादा ना हो यानी ना तो बहुत ज़्यादा कम टैक्स लगे ना ही इतना ज़्यादा कि ओवर बर्डन हो जाए इंडिविजुअल्स पे मॉनिटरिंग फोर्सिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड फ़िजिकल पॉलिसीज़ वही मॉनिटरेंस करना कि भाई जो भी हाई फ़िजकल पॉलिसीज़ हमने बनाई वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है सारा सारा जो भी काम है वो पब्लिक फ़ाइनेंस में आता है या हम उसकी फार्मोलेशन ऑफ़ फ़िज़कल पॉलिसी की बात करते हैं गई फिज़िकल पॉलिसी में हम लोग क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं ठीक है सबसे पहले तो हम उसमें टैक्सीशन से रिलेटेड चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हाओ विल मतलब तो कितना टैक्स विल बी डिटक्टेड सेल टैक्स का अमाउंट क्या हो सकता है कितना परसेंट हम जो टक करेंगे इनकम पे कितना हमें टैक्स लगाना है उसके अलावा जो हमारे रेवेन्यू कितने एक्सपेंसेस होंगे बोरोइंग्स के बारे में जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि हमारी मुल्क की डेवलपमेंट और स्टेबलाइजेशन हो तो ये होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी जिसमें हम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पहले ही पॉलिसीज बनाते हैं उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं ऑन द अदर एंड हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वैसे हमने इसको ओवरऑल बताया लेकिन इनमें डिफरेंस ऐसा ही बताए मोनिटरी पॉलिसी जो होती है पर्टिकुलर वो हमारे जो सप्लाई होती है ना मनी की उसको मैनेज करने में यूज़ होती है मोनिटरी वर्ड से पता चल रहा है कि हमारी लेवल ऑफ मनी सप्लाई होगा वो कितना होगा कलेक्शन ऑफ़ रेवेन्यू यहाँ पे अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ़ फेडरल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो तकरीबन पचास परसेंट जो रेवेन्यू है वो तकरीबन इनकम टैक्स से आता है हमारे उसके अलावा सेवन परसेंट कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस कॉरपोरेट जो होता है कंपनी यानी जो हमारे कम्पनीज को टैक्सेस लगते हैं जो हमारे इतना ज़्यादा ये कंपनीस प्रॉफिट कमाती है उन से भी टैक्स लेते हैं तो सेवन परसेंट वहाँ से आता है थर्टी सिक्स परसेंट फ्राम पे टैक्सेस पेरोल यानी जो हमारी सैलरीज <coughs> जो लोग ले रहे होते हैं पेरोल वगैरह उनकी जो टैक्सेस हम काटते हैं दैट फंड सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम जिसमें हम सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में जो हम फंड इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से जो टैक्सेस काटते हैं द रेस्ट कम्स फ्राम मिक्स ऑफ रिसोर्सेज और बाकी जो है रेस्ट ऑफ दाम जो है हमारे अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू आता है गाइस यहाँ पे टू मेजर टाइप्स होते हैं टैक्सेस के एक होता है डायरेक्ट टैक्स सेकंड इज़ इनडायरेक्ट फ्रॉम दिस वर्ड इट इज़ ऑबियस डायरेक्ट जो चीज़ डायरेक्ट लग रही है छुप के नहीं लग रही मतलब डायरेक्टली लग रही है रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर फाइल्ड एंड पेड बाई इंडिविजुअल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल बंदा आप गवर्नमेंट को पे करता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ठीक है इनडायरेक्ट ऑन द अदर हैंड आर टैक्सेस विच कैन बी ट्रांसफर टू एन अदर आइडेंटिटी देअर फॉर द बर्डन ऑफ पेइंग दैम कैन बी पुट ऑन एन अदर्स पर्सन शोल्डर इनडायरेक्ट यानी डायरेक्टली हमसे नहीं लिया जा रहा इनडायरेक्ट लिया जाता है और वो ऐसे होता है कि एक एंडिटी से दूसरी एंडिटी को ट्रांसफ़र होता है और इसकी एग्जाम्पल ये होती है सेल्स टैक्स अब हमसे डायरेक्ट तो एक गुड पे सेल्स टैक्स नहीं यूज़ हो रहा लेकिन ऐसा होता है कि मैनुफैक्चर ने जो मैनुफैक्चर को जब उसने बनाई थी चीज़ें उसको टैक्स लगा था ठीक है उसने रिटेलर को जो है बेचा तो मैन्यूफैक्चर ने उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ना प्राइस हाई करके टैक्स के फॉर्म में निकाल लिया अब रिटेलर रिटेलर ने क्या किया रिटेलर ने उस प्राइस प्राइस को थोड़ा इन्स करके उसमें टैक्स का एक अमाउंट जो है ना कस्टमर के लिए रख लिया तो ये इनडायरेक्ट है क्योंकि डायरेक्टली एक अमाउंट काटा नहीं जा रहा बस गुड्स हम तो नॉर्मल परचेस कर रहे हैं कोई चीज़ हमने फिफ्टी रुपीज़ की ली तो इन दैट फिफ्टी रुपीज़ टू थ्री रुपीज़ आर सपोज फॉर टैक्स जो हमें पता नहीं होता सो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स अब है डायरेक्ट टैक्स की सबसे कॉमन टाइप कौन सी होती है वो होती है इनकम टैक्स अभी एक वर्कर्स की सैलरी से काटते हैं जो भी वो अर्न कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स द गुड थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कीन ऑन लिस्टिंग क्रेडिट्स एंड डिडक्शंस दैट हेल्प लोअर्स वन टैक्स लाइबिलिटी इनकम अच्छा इनकम कौन सी टैक्सीबल होती है यहाँ पे हमने फ़र्दर बताया है कि इनकम जो हमारी वेजेस से आती है सैलरीज द इंटरेस्ट वी आन द ओवरऑल डिविडेंड जो हमारे शेयर होल्डर्स अर्न करते हैं बिज़नेस इनकम एक होती है इंडिविजुअल जो हमारा शेयर होल्डर जो डिविडेंड कमाते हैं उसके अलावा ओवरऑल बिजनेस की जो इनकम होती है उसमें से भी हम लोग जो है टैक्स डिटक्ट करते हैं कैपिटल गेंस एंड पेंशनस रिसीव ड्यूरिंग गिवन टैक्स ईयर आर कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इनकम तो हमारे टैक्सेबल इनकम में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं अब यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स नंबर वन इज़ सेल्स टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वैन एवर पीपल गो टू द मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर टू शॉप्स दे आर ऑलरेडी अबाउट टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर कहीं पर भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होती दैट वी वी आर पेइंग दैट अमाउंट गुड्स सच सचेज हाउस होल्ड आइटम्स क्लॉथिंग और अदर बेसिक कमोडिटीज़ आर सब्जेक्ट टू सच टाइप्स ऑफ टैक्सेस अपॉन पेमेंट एट द काउंटर द फाइनल सेल प्राइस पैरिड विद द सेल्स टैक्स डेट द स्टोर कलेक्ट एंड पेज टू द गर्मेंट अब नॉर्मल जब भी हमारे स्टोर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे हमारे क्लोथ्स मिल रहे हैं या डे टू डे ने कोई कमोडिटीज मिल रही हैं तो हम डायरेक्ट परचेज करते हैं अब हमें पता नहीं होता कि इसमें से हमारा कोई टैक्स का अमाउंट भी डिटक्ट हो रहा है लेकिन हम लोग तो डायरेक्टली बस अमाउंट पे करते हैं लेकिन उसमें हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है जो वो हमारे स्टोर्स वाले वटैवर जो भी हैं वो पे करते हैं गवर्नमेंट को सो दैट इज़ इनडायरेक्ट क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा द सेकेंड इज एक्साइज टैक्स सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एक्साइज टैक्स ये क्यों होता है वेन अ मैनुफेक्चर बाइज द रॉ मटेरियल फॉर कंपनीज़ प्रोडक्ट जब एक मैन्युफैक्चर कोई रॉ मटेरियल लेता है फॉर एग्जांपल टोबैको फॉर सिगरेट कंपनीज, दे ऑलरेडी नीड टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द आइटम्स जब वो रॉ मटेरियल ख़र्च करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि अगर वो सिगरेट कंपनी कोई टोबैको ले रही है ठीक है रॉ मटीरियल हम कोई भी ले सकते हैं फर्नीचर कंपनी वुड ले रही है ठीक है तो वो ऑलरेडी पे करती है एक इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट ऑफ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल कोर्स में हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है उसको जो बर्डन वो वो किसको ट्रांसफ़र करता है कंज्यूमर को बेसेलिंग द सिगरेट्स एट हायर प्राइस क्यों वो सिगरेट को हायर प्राइस पे लगाते हैं वो किस लिए ताकि वो जो उसने टैक्स पे किया था वो बर्डन फिर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए कंज्यूमर्स को सो दैट इज़ एक्साइज टैक्स उसके बाद है कस्टम कस्टम टैक्स होता है ठीक है कस्टम टैक्स बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमारी इंटरनेशनल की बात आए कि हम जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ तो जब भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं कोई चीज़ किसी और मुल्क से वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम यूएस चाइना जापान तो हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स उस पर डिवाइड होता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं कस्टम टैक्स इवन वॉन्ट यू वाई इम्पोर्टेड गुड्स प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कि कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इम्पोर्टेड गुड्स को इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ कस्टम टैक्स क्योंकि उन पर ऑलरेडी कस्टम का टैक्स लगता है वन अ कंटेनर फिल्ड विद बनाना फ्राम अदर कंट्री एंटर्स तो यू एस एग्जाम्पल दिए कि कोई बनाना का कंटेनर दूसरी कंट्री से यू एस में आया है तो इम्पोर्टर क्या करता है पेज अ टैक्स इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट कर रहा है वो टैक्स पे करता है जो वो फ़ाइनली बाद में कंज्यूमर्स को जो है उस पर टैक्स लगाता है क्योंकि वो जो भी मुल्क ठीक है ले रहा है हमारा पाकिस्तान अगर ले रहा है कहीं इम्पोर्ट कर रहा है कोई चीज़ तो फर्दर वो फिर कस्टमर्स पे उसका बर्डन डाल देता है तो ये है कस्टम टैक्स गैस टैक्स जो भी हमारे गैसोलीन होती है वहीकल्स जो हम लोग हैं ठीक है, है बाय करते हैं बाइंग गैसोलीन फॉर वहीकल्स हमने सी पेट्रोल जो भी हम लोग वहीकल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो उन पर भी एक टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज गैस टैक्स अब आते हैं एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर जो है हमारा उसमें हमारे सबसे पहले तो ये बात है कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो सकता है एक्सपेंडिचर हम लोग कोई पब्लिक गुड्स ख़रीद रहे हैं मैंने आपको भी बताया डेवलपमेंट का प्रोग्राम कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं कोई स्कूल खोल रहे हैं कोई और डे टू डे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए आ, या फिर कोई स्कीम खोल रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जो हमारे एक तो लैपटॉप स्कीम आई थी बहुत फ़ेमस हुई थी तो उस पर भी एक्सपेंस लगता है तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं और ये कहाँ पे ये इंक्लूड करता है बजट में मैंने पहले ही बताया बजट क्या होता है गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल प्लान जो गवर्नमेंट का एक प्लान जिसमें वो ऑलरेडी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स यानी अभी हुए नहीं हैं बट गिव दैट येस इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड ये कि ये ये एक्सपेंडिचर्स ही होंगे एम द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग डैम कि हम उनको किस तरह से फाइनेंस करेंगे बजट में पूरा डिटेल होता है अच्छा एन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोपोज एक्सपेंडिचर्स ओवर इस एस्टिमेट्स इज कॉल बजट डेफिसिट वही मैंने जो पहले बात की थी जो हम डेप्ट वगैरह लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं जब हमारा एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन हमारे रेवेन्यू कम पड़ जाते हैं सो so, इसीलिए मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है उधार लेना पड़ता है तो so, ये सिचुएशन होती है बजट डेफिसिट एन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर इस जनरली टर्म इज़ बजट सरप्लस जब हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू होता है यानी एक्सपेंडिचर करने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास सेव हो गया सो दैट इज़ बजट सरप्लस the constitution underlines that all receipts and expenditure to the uh, to be incurred in a particular financial year are to be met by federal consolidated fund of pakistan jo bhi hamare mulk ke expense expenditure jo receipts hui wo sara ka sara kahan se met hote hain federal consolidated fund se हमारे मुल्क का जो ये फ़ंड है फेडरल कॉन्सेंट्रेटेड फ़ंड ठीक है इसमें जो भी हमने मनी रेस की थी जो हमने लोन लिया था या किसी भी इन्वेस्टमेंट से हमें ये इनकम आई थी वो सारे के सारे फेडरल कंसिडरेटेड फ़ंड में जाते हैं उसके अलावा मेरे पास दो और अकाउंट होते हैं एक होता है कंटेजेंसी अकाउंट वो कंटेजेंसी वर्ड से पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में कोई कंटेजेंसी आ जाती है कोई ईश्यू आ जाता है तो उसके लिए रखा जाता है उसके अलावा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन ये भी एक अकाउंट होता है और ये हमारा जो भी मनी रिसीव करते हैं या हम फेडरल गवर्नमेंट की बिहाफ पे जो मनी रिसीव होती है या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिपॉजिट कर रही है मनी ठीक है या जो हमारा कोर्ट है कोई भी इस तरह के जो उनके बिहाफ पे मनी जो है डिपॉजिट हो रही है तो वो पब्लिक अकाउंट में जाती है और ये फेडरल कंसिटलेशन फंड और जो हमारा पब्लिक अकाउंट फेडरेशन है ये दोनों को कौन रेगुलेट करता है हमारा ओवरऑल पार्लियामेंट अब यहाँ पब्लिक डेप्ट की बात की गई है कि वो किन सोर्सेज से हो सकता है तो पोर्शन ऑफ टोटल डेप्ट विच has a डायरेक्ट चार्ज ऑन government revenues वेल well as debt obtained from IMF is defined as पब्लिक debt. ऐसा मतलब डैप किन किन सोर्सेज से एक तो हम जो खुद हमारे मुल्क से ही हम लोग जो ले रहे होते हैं वो डैप्ट होता है या फिर जो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आईएमएफ से अगर हम लोन दे रहे हैं तो वो पब्लिक डैप्ट कहलाता है पाकिस्तान पब्लिक डेप्टज़ टू मेन कंपोनेंट्स एक डोमेस्टिक डेप ठीक है वो कौन सा विच इज़ इनक्योर्ड प्रिंसिपली टू फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट एक तो डोमेस्टिक डेप्ट होता है जो हम लोग क्यों लेते हैं ताकि हमारे जो फिजिकल डेफिसिट हुआ है उसको जो है हम लोग सही कर सकें ठीक है एन एक्सटर्नल डेप जो रेज़ होता है प्रीमियरली टू फाइनेंस डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सटर्नल यानी हम जो फॉरेन कंट्री से उधार लेते हैं वो यूजुअली हम लोग लोग लेते हैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए दो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वन एक्सपेंस इज़ अ करंट एक्सपेंस जो डे टू डे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने में या परचेज करने में या सर्विसेज को लेने में कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज़ होता है वो है current, होता है करंट ठीक है उसके अलावा होता है नॉन करंट या डेवलपमेंट वो एक्सपेंडिचर जो डे टू डे हमारे उसके लिए तो ज़रूरी नहीं होता लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क की डिवेलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है ठीक है तो वो होता है डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर तो एक्सटर्नल डैप हम किस लिए लेते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए और नॉर्मल जो फिजिकल डेफिसिट हो गया अगर हम उसको ठीक करते हैं तो हम डोमेस्टिक डेप लेते हैं अब फाइनली लास्ट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है कि प्राइवेट फाइनेंस होता है एक होता है पब्लिक फाइनेंस एंड वी डोंट कन्फ्यूज़ दैम हमें कभी भी उनको कंफ्यूज नहीं करना प्राइवेट फाइनेंस तो हमारा स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो नॉर्मली एक बंदे के अगर हम फाइनेंस की बात करें दैट हाउ इज़ मैनेजिंग इज़ फाइनेंस तो वो इंडिविजुअल या पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कंपनीज की बात करें तो वो प्राइवेट फाइनेंस कहलाता है प्राइवेट फाइनेंस कैन बी क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरीज पर्सनल फाइनेंस एक इंडिविजुअल बंदे का फाइनेंस एंड सेकेंड बिजनेस फाइनेंस जो हमारी प्राइवेट बिजनेसिस वगैरह होते हैं चाहे वो प्रपरा हो पार्टनर हो या कंपनी हो लेकिन वो प्राइवेट है तो वो बिजनेस फाइनेंस होता है ठीक है पर्सनल फाइनेंस डील्स विद द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फाइनेंस बाई इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स में हमारे पीपल फैमिलीज वगैरह आ जाते हैं कि वो किस तरह से फाइनेंस कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस में बिज़नेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी शेयर होल्डर्स किस तरह से फाइनेंस यूज करें उसको हम क्या बोलते हैं बिज़नेस फाइनेंस थैंक यू अल्लाफि